हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकाज गार्डन लॉग। और ये मेरा चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट है, जिसे एग्लोनिमा भी कहा जाता है। ये फोलियर प्लांट होते हैं, पत्तों वाले पौधे होते हैं। इनकी पत्तों की खूबसूरती की वजह से ही इन्हें ग्रो किया जाता है। साथ ही एग्लोनिमा के जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और इसकी सभी वेराइटीज़ इंडोर ग्रो करने के लिए बेस्ट होती हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, डायरेक्ट सनलाइट की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है। तो आपके घर में भी अगर डायरेक्ट सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है तो आप इसे अपने घर में, ऑफिस में आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कुछ वैरायटीज़ को थोड़ी सी ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है और कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत कम इनडायरेक्ट सनलाइट में भी आराम से ग्रो कर लेती है। इनके बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगी। तो बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ होती है, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट्स होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, ये बहुत सारे कलर्स में भी आते हैं। कुछ इसके जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ पिंक कलर के होते हैं। तो इनके पत्तों के कलर, अलग अलग कलर की वजह से इन्हें वाइट एग्लोनिमा, पिंक एग्लोनिमा, रेड एग्लोनिमा कहा जाता है। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में मैं इसी प्लांट की टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें इस प्लांट के लिए सोइल की, तो सोइल मेन रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्लांट के लिए। और इस प्लांट की जो सबसे बड़ी बीमारी होती है, जिसकी वजह से ये प्लांट ज़्यादातर मरते हैं, इनके मरने का 60-70% जो रीज़न होता है एग्लोनिमा के मरने का फ्रेंड्स, वो होता है इसमें फंगस अटैक लगना। तो इस प्लांट को बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सोइल चाहिए होती है। इसके लिए जो मैंने सोइल बनाई है उसमें 70% के करीब तो मैंने येलो सैंडी सोइल ली है, पीली रेतीली मिट्टी। ये मिट्टी नर्सरीज पे आराम से मिल जाती है, किसी भी प्लांट नर्सरी में आप इसे आराम से ला सकते हैं, वहाँ पे ये अवेलेबल होती है। ये बहुत ही वेल ड्रेन्ड सोइल होती है और इसमें कोई भी कटिंग ग्रो करने के लिए, कोई भी प्लांट ग्रो करने के लिए एक आइडियल सोइल होती है। तो वही पीली रेतीली ये मिट्टी है 70% के करीब, और 30% के करीब मैंने इसमें काउडंग मैन्योर डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें फंजीसाइड डाला है। ये एक आइडियल सोइल होती है आपके एग्लोनिमा के लिए। और फिर साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पॉट में ड्रेनेज होल बना के रखने हैं कई सारे, और टाइम टू टाइम आप उन्हें चेक करते रहें, वो रुकने नहीं चाहिए। इसमें किसी भी तरीके का पानी बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, बारिश का पानी हो या जब भी आप इसमें वॉटरिंग करते हैं, तो इसे बिल्कुल भी ओवर वॉटरिंग पसंद नहीं होती है इस प्लांट को। तो आप बिल्कुल सूखा रखें इसकी मिट्टी को। और बात करें इस प्लांट के लिए वॉटरिंग की, तो फ्रेंड्स इस प्लांट में आप वॉटरिंग तब करें जब इसकी सोइल की ऊपरी कम से कम 1.5 से 2 इंच की परत आपको बिल्कुल ड्राई दिखाई देती है। उससे पहले आप वॉटरिंग नहीं करें, क्योंकि अगर आप इसमें ओवर वॉटरिंग करेंगे तो इसमें फंगस लगेगी और फंगस की वजह से ज़्यादातर ये प्लांट मरता है। और फ्रेंड्स, फंगस की वजह से कई बार इस प्लांट के जो नीचे वाले लीव्स होते हैं वो येल्लो होकर गिरने लगते हैं, और इसके पत्तों के ऊपर कुछ येल्लो कलर के छोटे छोटे से धब्बे, छोटे छोटे से स्पॉट्स आने लगते हैं, और धीरे धीरे वो येलो कलर के जो छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, वो फंगस इन्फेक्शन होता है। और धीरे धीरे वो छोटे छोटे से जो येलो कलर के स्पॉट्स होते हैं फ्रेंड्स, उनमें छेद भी होने लगता है, उनमें होल होने लगता है, और वो इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और धीरे धीरे आपके प्लांट को ख़राब कर देता है। तो अगर आपको इसी किसी तरह का ऐसा कोई इन्फेक्शन आपके प्लांट के पत्तों के ऊपर दिखाई देता है, तो फ्रेंड्स आप उन्हें तुरंत काट के निकाल दें, ताकि वो इन्फेक्शन आपके दूसरे लीव्स के ऊपर ना फैले। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे वाला जो लीव है इस पर फंगस इन्फेक्शन है, तो इस तरीके के लीव्स को आप काट के निकालते रहें। मैंने अभी इन्हें नहीं काटा है, मैंने इन्हें रखा है अभी आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से इस पर फंगस का अटैक होता है इसके लीव्स के ऊपर, इसकी सोइल में। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, फंगस से इसे बचाने के लिए आप ऐसा करें कि हर 15 से 20 दिन में आप 1 लीटर ताज़ा पानी लेके उसमें कोई भी फंजीसाइड आप ऐड कर लें। सिस्टमेटिक फंजीसाइड अगर आप लेंगे तो बेस्ट होता है, उसका असर ज़्यादा जल्दी होता है। आप बेविस्टीन या साफ का सिस्टमेटिक फंजीसाइड ले लें, उसे 1 लीटर पानी में आप 1 या 1.5 टीस्पून के करीब फंजीसाइड आप अच्छे से मिक्स करके इसे सॉइल में डाल दें, और कुछ आप इसके पत्तों के ऊपर स्प्रे कर दें। तो उससे जो भी इस पर फंगस का असर है इसकी सॉइल में, या आपके प्लांट के लीव्स के ऊपर अटैक हुआ है, तो उसका असर कम हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैं करती रहती हूँ ये। और फ्रेंड्स, अगर बात करें इस प्लांट पे पेस्ट अटैक का, तो कई बार इस पे पेस्ट का अटैक हो जाता है, तो आप कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में फ्रेंड्स, मैं तो नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ ज़्यादातर इसके ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट के जो नीचे वाले लीव्स होते हैं वो धीरे धीरे येल्लो होने लगते हैं और गिरने लगते हैं। तो ओवर वाटरिंग से और इसकी सॉइल में फंगस होने से आपको
ज़रूर इसे बचाना है, इसी की वजह से ज़्यादातर प्लांट मरते हैं। और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फ्रेश मैं इस पर यूज़ करती हूँ, नीम ऑयल का स्प्रे मैं इस पर करती रहती हूँ 15 से 20 दिनों में। आप थोड़ा सा नीम ऑयल ले लें, अगर फ्रेंड्स आप रूम टेम्परेचर का वाटर ले लें और उसमें आप लगभग आधा लीटर पानी में आप 4-5 ड्रॉप्स नीम ऑयल की डाल लें और 3 से 4 ड्रॉप्स आप किसी भी लिक्विड सोप की अच्छे से मिक्स करके इसके पत्तों के ऊपर आप स्प्रे करते रहें 15 से 20 दिनों में, उसे अगर कोई भी पेस्ट अटैक इसके ऊपर है तो वो हट जाएगा। और फ्रेंड्स अगर बात करें, देखिए ये भी फ्रेंड्स ये फंगस का अटैक है इस तरीके के लीव्स के ऊपर, तो इस तरीके के लीव्स को आप काट के ज़रूर निकालते रहें ताकि और लीव्स में इन्फेक्शन ना फैले। और देखिए फ्रेंड्स इसमें नई ग्रोथ कितनी हो रही है मेरे प्लांट्स में। तो अगर बात करें इसके लिए फर्टिलाइज़र की, तो फ्रेंड्स कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मैं इस पर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं पेस्टिसाइड में या फर्टिलाइज़र में कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ एग्लोनिमा के ऊपर स्पेशली। देखिए कितनी नई नई इसमें ग्रोथ हो रही है। ये एग्लोनिमा प्लांट फ्रेंड्स थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, ये हमारे यहाँ के प्लांट्स नहीं हैं, ये ठंडे इलाके के प्लांट्स हैं, तो थोड़ा सा ये डेलिकेट होते हैं। केमिकल मैं इस पर यूज़ नहीं करती हूँ, फर्टिलाइज़र में मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्यूर डालती रहती हूँ, और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसे ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। अगर आप इसके ग्रोइंग सीज़न में जैसे स्प्रिंग में एक बार आपने 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्यूर इसके पॉट में डाल दिया, या फिर एक बार आप बारिश के सीज़न में डाल दें, तो 2 बार का ही इसके लिए काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा की इसे ज़रूरत नहीं होती है फर्टिलाइज़र की। और कभी कभी अगर आप चाहें, अगर आप एक्स्ट्रा डालना चाहें, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर का इसमें डाल सकते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसे ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं होती है, थोड़ा सा स्लो ग्रोअर प्लांट होता है, थोड़ी सी धीमी इसकी ग्रोथ होती है, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट इसे नहीं होती है। 2 बार का ही फर्टिलाइज़र इसमें फरवरी मार्च में डाल दें, 1 बार बारिश के सीज़न में डाल दें, वही इसके लिए काफ़ी होता है। सर्दियों में मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, और करती हूँ तो कभी कभी वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ स्पेशली, केमिकल फर्टिलाइज़र मैं इसमें कभी भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये प्लांट थोड़े से डेलिकेट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये फंगस की वजह से ही इसमें छेद हो रहा है इसके लीव्स में। अब ये जो भी इन्फेक्टेड लीव्स हैं उन्हें मैं काट के निकाल दूँगी और इस पर मैं फंगस का फंजीसाइड का स्प्रे कर दूँगी इस प्लांट के लीव्स के ऊपर, कुछ इसी सोइल में डाल दूँगी मैं बना के, जब इसकी सोइल थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स इस प्लांट की केयर की जाती है। अगर बात करें इस प्लांट के प्रोपोगेशन की, तो ये मेरा प्लांट अभी काफ़ी छोटा है, अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप इसकी 5 से 7 इंच की कोई भी कटिंग ले लें, उसके नीचे के लीव्स आप हटा दें और कुछ दिनों के लिए आप अपनी कटिंग को पानी में रख दें, किसी पानी से भरे हुए बर्तन में रख दें, शीशे के गिलास में पानी भर के रख दें इस तरीके से आप, और आप 3-4 दिन में उसका पानी चेंज करते रहें। कुछ ही दिनों में आपके जो कटिंग है उसमें छोटी छोटी सी वाइट सी रूट्स निकलने लगेंगी, उसके बाद आप उसे किसी भी सैंडी सॉइल में ग्रो कर दें, धीरे धीरे आपका जो आपकी जो कटिंग है वो एक प्लांट का रूप ले लेगी। इसी तरीके से इसे प्रोपोगेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है। और फ्रेंड्स अगर बात करें गर्मियों से इसे बचाने की, तो फ्रेंड्स इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ने लगती हैं तो इसके जो प्लांट्स जो लीव्स होते हैं उनकी शाइन कम होने लगती है, थोड़े से डल होने लगते हैं आपके एग्लोनिमा के जो पत्ते होते हैं। तो आप इस पर बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तो आप फ्रेश पानी का इसके ऊपर स्प्रे कर दें, तो उससे आपके जो प्लांट के लीव्स हैं वो ताज़ा रहेंगे, फ्रेश बने रहेंगे, उनकी चमक है जो उनकी शाइन है उनकी खूबसूरती है वो बनी रहेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इसी तरीके से इस प्लांट की केयर की जाती है। अगर आप इन छोटी छोटी सी चीज़ों का फ्रेंड्स ध्यान रखते हैं, तो आपका जो पौधा है वो लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा, उसकी खूबसूरती बनी रहेगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी, वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे वीडियो बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, बाय।